Dear students, assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, हम relevant exercise को आपको पहले भी बताया कि कोशिश कर रहे हैं articles के साथ करें. हमने इससे previous lecture में हमने energy और इसकी different types पे बात की थी, mechanical, non-mechanical, उसके बाद kinetic potential and various types of potential, और फिर इनके बारे में different तरह की informations को collect किया था. उससे प्रीवियस में हम पावर पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का हमारा लेक्चर रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स तक है, अप टू एनर्जी. तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट थ्री शॉर्ट क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन. तो 4.4 पे बात करता हूँ. ये स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा और ये स्टेटमेंट आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई भी जा रही है. इन विच केस इज मोर वर्क डन. दो केसेस दिए हैं, कहते हैं बताइए दोनों केसेस में वर्क किस में ज़्यादा होगा. पहला केस क्या है, व्हेन अ 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक इज़ लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर. किताबों का एक भरा हुआ बैग है जिसका मैस है 50 किलोग्राम का थैला है, कि बैग है उसको 50 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है. एक ये केस है. दूसरा केस क्या है, या फिर 50 किलोग्राम का क्रेट है, जैसे फलों वाला क्रेट होता है, उसको धकेलना है ज़मीन के ऊपर 2 मीटर तक 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हुए. इन दो केसेस में बताइए किस केस में वर्क ज़्यादा होगा. तो हम दो केसेस को W1, W2 उनके वर्क्स को कह देते हैं और कैलकुलेट करके बताते हैं कि कौन सा वर्क ज़्यादा है. आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. हमने पहले केस के वर्क को W1 कहा, जब 50 किलोग्राम का बैग 50 सेंटीमीटर तक उठाया. याद कीजिए हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है तो वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो यकीनन हम जब इसको इस तरह देखिए, ज़मीन की सरफेस से मान लीजिए कि ये बैग है, बैग का अपना मैस है 50 किलोग्राम, इसको हमने उठाया 50 सेंटीमीटर तक, यानी ज़मीन से हाइट 50 सेंटीमीटर तक. तो 50 सेंटीमीटर 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर, आधा मीटर ऊपर उठाया. तो बच्चों इसको 50 सेंटीमीटर तक उठाया, यानी हाफ मीटर तक. दिस इम्प्लाइज दैट, हम शॉर्टली इसको कह देंगे कि W1 जो वर्क है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके इक्वल होती है, MgH. मैस है बुक्स का 50 किलोग्राम, जी 9.8 और हाइट है 0.5, तो यूनिट इसका जाउल, 245 जाउल. ये फर्स्ट केस का वर्क है. अब सेकंड केस का वर्क जो है उसका नाम हम रख लेते हैं W2. जो क्रेट को पुश करने का वर्क है W2, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि 50 किलोग्राम का एक क्रेट है, इस पर आपने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और इस फोर्स के जेरे असर ये क्रेट अलोंग द हॉरिजेंटल 2 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. तो बताइए यहाँ वर्क का जनरल फार्मूला एफ डॉट डी, पैरेलल केस में एफ डी कॉस 0 क्या होता है, 1, तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है. 50 न्यूटन फोर्स है और 2 मीटर डिस्टेंस है, तो बेटा इसका आंसर आ गया 100 जाउल. तो आपको नज़र आ रहा है कि W1 W2 से ग्रेटर है, शोज W1 ग्रेटर है W2 से. तो आप लिखेंगे क्या, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, द वर्क डन फॉर फर्स्ट केस विल बी ग्रेटर देन सेकेंड. होपफुली यू गेट इट डियर स्टूडेंट्स. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 4.5. एक बॉडी में 1 जाउल पोटेंशियल एनर्जी है, बताइए इसका क्या मतलब है. चलें मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ. एक बॉडी को ज़मीन से कुछ हाइट पे रखा, इसके पास 1 जाउल पोटेंशियल एनर्जी है, तो बेटा इसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में, यानी ये बॉडी 1 जाउल वर्क करने की कैपेसिटी रखता है. एक तो इसका मुख्तसर जवाब है कि 1 जाउल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है बॉडी हैज़ अबिलिटी टू डू 1 जाउल वर्क. पहले मैं इसको स्क्रीन आपको बोर्ड के ऊपर बता दूं लिख के, ये इसका मुख्तसर आंसर है. लेकिन इसके साथ एक दो पॉइंट्स हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि 1 जाउल पोटेंशियल एनर्जी बनी कैसे. अगर हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं
तो ज़मीन से अगर एक बॉडी को उठाने में अगर आपने 1 जूल वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, तो आपको क्या कहा था, अगेंस्ट द फील्ड वर्क करें तो पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। इट मींस के बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड 1 जूल वर्क करा के किया गया है उस पर, तो उसने पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल गेन की है। और फिर क्या होगा, जब उसी पत्थर को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे वर्क डन बाय द फील्ड होगा और वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक में। सो एक इसका मतलब ये भी है कि यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब वर्क डन बाय द फील्ड होगा। तो ये बात मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको भी देख लीजिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आंसर आपका जो चेक होना है वो यहाँ तक ही है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बता दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 4.6 में हमें एक बात कही जा रही है, एक बॉल है जिसका मैस m है इज हेल्ड एट हाइट h1 अबव द टेबल, और बॉल की टेबल से हाइट h1 है। चले मैं यहाँ पे इसको टेबल पे दिखाता हूँ, टेबल पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये टेबल की मिसाल कुछ किस तरह दे रहा है। फॉर एग्जांपल बेटा, ये ज़मीन है, हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ अर्थ। हम सिंपल सी डायग्राम बनाएंगे समझाने की गर्ज से, और एक बच्चा एक बॉल को यहाँ पे रखे हुए है, मान लीजिए पॉइंट ए पर, ठीक है, और इस बॉल की टेबल से जो हाइट है वो h1 है, टेबल से यानी टेबल की सरफेस से हाइट h1 है, जबकि टेबल की अपनी हाइट, द टेबल टॉप इज एट h2 फ्रॉम द फ्लोर, जबकि टेबल की जो अपनी हाइट है वो ज़मीन से वो है h2। अब यहाँ पर दो हाइट्स आ गई, एक टेबल की हाइट और बॉल की हाइट टेबल से दी हुई है h1। अब इस पर क्वेश्चन क्या है, देखिए, वन स्टूडेंट सेज, एक स्टूडेंट कहता है कि बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है mgh1, क्योंकि टेबल से हाइट h1 है। तो एक स्टूडेंट कहता है बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है mgh1, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं, बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है mgh1+h2, क्योंकि वो कहता है ज़मीन से अगर हाइट लें तो ज़मीन से हाइट बन रही है बॉल की h1+h2। बात समझ आई, बताइए किसकी बात करेक्ट है, पहले वाले स्टूडेंट की या दूसरे की? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट पे डिपेंड करती है, ये हमेशा रेफरेंस सरफेस से ली जाती है। अगर टेबल की सरफेस से बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी वाकई mgh1 है। कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू टेबल। तो टेबल के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी वाकई mgh1 है, क्योंकि बॉल की टेबल से हाइट h1 है, लेकिन इसी बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh1+h2 है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, फर्श के लिहाज से या ज़मीन के लिहाज से। तो बात दोनों की करेक्ट है, बस ये कहेंगे पहला स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी को बयान कर रहा है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ टेबल, जबकि दूसरा स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी को बयान कर रहा है फ्रॉम फ्लोर। सो हम अपनी बात को इस तरह लिखेंगे, सिंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम रेफरेंस सर्फेस, बोथ स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। पहला स्टूडेंट टेबल सर्फेस से बता रहा है और दूसरा स्टूडेंट फ्लोर की सर्फेस से बता रहा है। होपफुली यू गेट इट। आइए इसको लिखते हैं, दो लाइनें अब। बोथ आर करेक्ट बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस सरफेस पे। सो फर्स्ट स्टूडेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को फ्रॉम टेबल सरफेस, वाइल अदर स्टूडेंट डिस्क्राइब, जबकि दूसरा स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी को फ्लोर से, फर्श से या ज़मीन की सरफेस से बयान कर रहा है। दोनों की बात करेक्ट है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4.2 है, 70 किलोग्राम मैन, एक आदमी जिसका अपना मैस 70 किलोग्राम है, रन्स अप ए लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड। इधर देखें, सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है 4 सेकेंड में, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है 4 सेकेंड्स में, और जब वो इस पॉइंट तक आ जाता है तो
जिस सीढ़ी पे तक वो पहुंचता है उस आखिरी सीढ़ी की ज़मीन से जो हाइट है वो 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर। बताइए उस बंदे ने कितनी पावर अप्लाई की और पावर को वाट में आपने कैलकुलेट करना है। आइए इसका डाटा लिखते हैं। मास ऑफ मैन 70 किलोग्राम, टोटल ज़मीन से जो हाइट है जो उसने गेन की 4.5 मीटर। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, उस बंदे ने अपने आप को इतनी हाइट तक उठाने में कितनी पावर अप्लाई की, दिस इज़ द थिंग। और एक चीज़ और है, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, कितनी देर में वो सीढ़ियाँ चढ़ गया टोटल, दिस इज़ स्मॉल टी 4.0 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स मीन्स, चलिए एक बात देखिए, जब बंदा अपने आप को सीढ़ियों पे चढ़ाते हुए अपने आप को ज़मीन से ऊपर को उठाता है तो हर स्टेप में वो वर्क कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। और आपको ये बताया था किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के जो अगेंस्ट वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखने लगे हैं सॉल्यूशन में कि हेयर जो आदमी ने टोटल वर्क डन किया है अपने आप को उठाने के लिए वो कन्वर्ट है गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इक्वल होती है MgH के। तो मास है बंदे का 70 किलोग्राम, जी है 9.8 और ज़मीन से जो टोटल हाइट गेन की वो 4.5 यूनिट इसका जाउल में। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये आंसर आ रहा है 3087 जाउल। ये हमारे पास वर्क आ गया। नाउ पावर का क्या फार्मूला है, एवरेज पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क आपके पास है 3087, टोटल टाइम है 4। बेटा ये इसका रिजल्ट आ गया वाट में, पावर का यूनिट वाट है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 7.71 इंटू 10^2 वाट, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स 4.3 इसको देखते हैं। 10 ब्रिक्स, 10 ईंटें हैं, हर ईंट की जो मोटाई है वो 6 सेंटीमीटर है। आप देखते हैं ईंटें आमतौर पर एक जैसी थिकनेस की होती हैं। एंड मास 1.5 किलोग्राम, हर ईंट का मास 1.5 किलोग्राम और हर ईंट की थिकनेस 6 सेंटीमीटर। और ये टेबल के ऊपर रैंडमली पड़ी हैं, यानी एक टेबल की सरफेस पे 10 ईंटें पड़ी हुई हैं। अब बात क्या है, हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। एक ईंट अगर दूसरी पे रखें और दूसरी तीसरी पे रखें और अगर आप एक स्टॉक बना लें, एक डैम्प बना लें, तो उसके लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। ये आपकी स्टेटमेंट है और ये आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिखाई भी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम इसकी एक डायग्राम को बना लें, देन आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। मान लीजिए ये टेबल की सरफेस है और इस टेबल सरफेस पर जो ब्रिक्स पड़ी हैं उन ब्रिक्स के बारे में हम कुछ बात पहले कर लें। हमें जो दिया गया है मास ऑफ ईच ब्रिक 1.5 किलोग्राम, उसके बाद थिकनेस ऑफ ईच ब्रिक, हर ब्रिक की थिकनेस जो बेसिकली हाइट के बराबर है वो है 6 सेंटीमीटर। जब इसे 100 पे डिवाइड करेंगे 0.06 मीटर। आप प्लीज़ देखिएगा, एक ईंट को अगर टेबल की सरफेस पे रखा है तो ये पहली जो ब्रिक है उसकी तो टेबल से कोई हाइट नहीं है, उसकी हाइट तो ज़ीरो है। लेकिन जब सेकंड ब्रिक आप रखेंगे उतनी ही थिकनेस की, तो सेकंड ब्रिक जो है वो टेबल की सरफेस से जो हाइट गेन करेगी उसको हम कहेंगे एच। और ये हाइट कहाँ से ली है, उस ब्रिक की लोअर सरफेस से लेके टेबल तक, हाइट है एच। अब कॉमन सेंस है कि आप जब एक के बाद दूसरी ब्रिक रखते जा रहे हैं तो थर्ड ब्रिक जब रखी तो टेबल की सरफेस से जो हाइट है वो बन गई 2h। इसी तरह अब मैं सारी ब्रिक्स जो है वो एक दफ़ा उनको बना के दिखाने लगा हूँ। अब बताइए फोर्थ ब्रिक की हाइट जो है वो टेबल की सरफेस से कितनी बनेगी, 3h। अब आप समझ गए कि हर ब्रिक की जो हाइट है, इसी तरह जो फिफ्थ ब्रिक है इसकी जो टेबल से हाइट बनेगी दैट इज़ 4h।
इसी तरह मैं सारी नहीं दिखा रहा, अप टू सो ऑन ऑल ब्रिक्स की हाइट जो है वो आपके सामने, यहां तक कि जो 10th ब्रिक है इसकी हाइट जो जमीन से बनेगी ये बनेगी 9H, यानी 9 गुना ज्यादा। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आप कहेंगे कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ब्रिक लगते हुए हमने जब स्टॉक लगाया तो हर ब्रिक की हाइट जो है वो ज़मीन से बढ़ती जा रही है रखने के ऊपर। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, पहले देखिए, यू हैव टू फाइंड वर्क डन टू स्टॉक वन ऑन, या आपने टोटल वर्क फाइंड करने एक के एक को दूसरी के ऊपर स्टॉक करने से जो हुआ। तो बेटा जब आप एक ब्रिक को उठा के दूसरी ब्रिक के ऊपर रखेंगे तो हर ब्रिक जो है वो ज़मीन से हाइट गेन कर रही है, और जब भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो ये बनती है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इस बात से आप वाकिफ हैं, हम अब इसको बार बार इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं, अब तो इनको यूज़ कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ टोटल किया गया वर्क बराबर है W1 प्लस W2 प्लस W3, फर्स्ट ब्रिक का वर्क, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ और टेंथ ब्रिक का वर्क। स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है फर्स्ट ब्रिक का कोई वर्क नहीं है क्योंकि फर्स्ट ब्रिक की हाइट 0 है, लेकिन सेकंड ब्रिक की हाइट कितनी है h, थर्ड ब्रिक जब रखी तो हाइट कितनी हुई 2h, इसी तरह हाइट, तो टेंथ ब्रिक की हाइट कितनी है 9h। प्लीज गौर कीजिएगा, W नेट टोटल वर्क, फर्स्ट ब्रिक का हाइट का वर्क जो है वो है mg, लेकिन उसकी हाइट क्या थी 0, सेकंड ब्रिक का वर्क mg, हाइट कितनी है h, थर्ड ब्रिक का वर्क mg, हाइट है 2h, इसी तरह फोर्थ ब्रिक का वर्क mg, हाइट है 3h। और टेंथ ब्रिक का वर्क mg और हाइट हुई 9h। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2mgh, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो अब इन सबको ऐड अगर करें तो ये आंसर आ रहा है 45mgh। ठीक है, जाहिर है ये कोफिशेंट्स हैं ये तो बाहर आ जाएंगे, तो इनको बाद में ऐड करना है। अब इसको सॉल्व करिए, 45 × 1.5 × 9.8 × 0.06 जाउल, तो इसका आंसर है ऑलमोस्ट 40 जाउल, ऑलमोस्ट, हेंस द रिक्वायर्ड। जी स्टूडेंट्स होपफुली यू गेट इट। जी स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही, कल हम एक नए आर्टिकल को आपके सामने रखेंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।